सैन्य अधिकारियों ने जो अनुमान लगाया था स्थितियां उससे अलग हैं। हालांकि ये युद्ध की अभी शुरुआत है जो भयंकर जंग में तब्दील हो सकती है। पुतिन को उम्मीद होगी कि रूस हमले के कुछ दिनों में ही कीव को कब्जे में ले लेगा। उन्हें भरोसा होगा कि पश्चिमी देश डर कर विभाजित हो जाएंगे और यूक्रेन पर उनका दावा स्वीकार कर लेंगे, जिसे वो रूस का ही हिस्सा मानते हैं। इस युद्ध से रूस की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित रही है। पुतिन के बड़े सहयोगी चीन में भी इसे लेकर चिंताएं हैं कि पश्चिमी देशों में बड़ा गुस्सा चीन के खिलाफ भी जा सकता है, जिससे चीनी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हो सकते हैं। उसने खुद को इस हमले से अलग कर लिया है। वहीं नेटो और मजबूत हो सकता है। फिनलैंड और स्वीडन दोनों अपनी सुरक्षा के लिए नेटो में शामिल हो सकते हैं। पुतिन ने ये युद्ध इसलिए छेड़ा ताकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने, लेकिन इसके उलट ये हो सकता है कि नेटो को और सदस्य देश मिल जाए। ये सभी बातें पुतिन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। ये सब पुतिन के गलत अनुमानों का नतीजा है। वो बहुत कम सलाहकारों पर भरोसा करते हैं जो सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो। अब वो नए विकल्पों की तरफ भी देखेंगे। जब उन्हें रोका जाता है तो वो पीछे हटने से इनकार कर देते हैं और ज्यादा मजबूती से प्रहार करते हैं। उनके पास ऐसा करने के लिए हथियार भी हैं। अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ने दावा किया कि रूस की सेना पहले ही थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल कर चुकी है। इस हथियार को वैक्यूम बम भी कहा जाता है, जो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को सोख कर बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ बड़ा धमाका करता है। हालांकि ऐसे समय में राजदूत बड़े बड़े दावे किया करते हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ बढ़ते हुए रूस के थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर के वीडियो देखे गए हैं। ऐसी तस्वीरें भी हैं कि खारकीव में आम नागरिकों के खिलाफ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है। ये बम फटने पर छोटे छोटे नुकीले टुकड़े निकालते हैं, आसपास मौजूद लोगों को घायल करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इन्हें 2008 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन रूस ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। उसने दावा किया था कि वो क्लस्टर बमों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय नियमों के मुताबिक करेगा, लेकिन खारकीव के लोगों का अनुभव कुछ और ही होगा। पुतिन ने खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर कभी हिचक नहीं दिखाई। माना जाता है कि उन्होंने 2006 में लंदन में पूर्व केजीबी एजेंट अलेक्जेंडर लिटविनेको की हत्या के लिए रेडियो एक्टिव पोलोनियम के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। ये भी आशंका है कि उन्होंने रूसी सैन्य खुफिया एजेंसी को एक और पूर्व जासूस सरगेई स्क्रिपल को 2018 में ब्रिटेन के सेल्सबरी में जहरीले नर्व एजेंट नोविचोक से मारने की सहमति दी थी। एक महिला की भी इसी नर्व एजेंट के कारण मौत हो गई थी। ऐसा नहीं लगता कि आम नागरिकों को होने वाला खतरा पुतिन को परेशान करता है। ये हत्याएं योजनागत तरीके से की गई थी और यूक्रेन में हो रहे बड़े स्तर के हमले अलग हैं। लेकिन एक बात समान है कि रूस के बड़े हित के आगे आम नागरिकों का जीवन मायने नहीं रखता है। क्या पुतिन यूक्रेन को जीतने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? ऐसी संभावना हो सकती है, लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है कि स्थितियां अभी यहां तक नहीं पहुंची हैं। ये सही है कि पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई यूक्रेन में बाहर से दखल देने की कोशिश करता है तो उसे अपने इतिहास से भी ज्यादा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वो अक्सर ये बात कह चुके हैं कि अगर दुनिया में रूस शामिल नहीं है तो दुनिया का अस्तित्व क्यों बना रहे। लेकिन इतिहास खुद को दोहरा सकता है। 1939 में जब स्टालिन ने फिनलैंड पर हमला किया था तो उन्हें इसके कुछ ही दिनों में हथियार डालने की उम्मीद थी, लेकिन फिनलैंड ने कड़ा पलटवार किया और रूस की सेना को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। शीत युद्ध खत्म होने में लगभग एक साल का समय था, लेकिन फिनलैंड ने अपना क्षेत्र खो दिया, मगर वो एक स्वतंत्र देश बना रहा। संभावना है कि यूक्रेन में भी युद्ध इसी तरह खत्म होगा। अभी बस शुरुआत हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूस को और ज्यादा समय तक रोक सकता है।
पर ये सही है कि युद्ध का पहला राउंड एक तरफा नहीं रहा है। पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया लोगों की उम्मीदों से ज्यादा मजबूत रही है, खासतौर पर पुतिनों की उम्मीदों से। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।